मैं आचार्य श्यामवंत पाठी, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप लोगों को सुंदरकांड का 11वां भाग सुनाने जा रहा हूँ, आइए सुनते हैं। रजियसी सदा सठ मोर जियावा, अरे पुकर बच्च मोड तो ही भावा, कहस नखल यस को जग माही, अब उज्जवल जाही जिता मैं नाही। अरे मूर्ख तू मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मोड पक्ष तुम्हारे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट संसार में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीत लिया हो। अर मम पुर बसी तपसिन पर प्रीति, असठ मिलु जायति नहीं कहु नीति, अस कहि की नसी चरण प्रहारा, अयनुज गहे पदवार ही बारा। मेरे नगर में रहते हुए उन उपद्रियों से प्रेम रखता है मूर्ख, जा उन्हीं से मिलकर उन्हें ही नीति का पाठ पढ़ा। ऐसा कहकर उन्हें विभीषण जी को लात मारी, लेकिन वह इस पर भी बार बार उनके चरण की पकड़ रहे थे। अरुमा संत कहे हे बड़ाई, अमंद करत जो करही भलाई, तुम पितु सरसी भले ही मोहि मारा, राम बजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, ये पार्वती संतों की यही महिमा है कि वे बुद्धि करने पर भी बुराई करने वाले भी भलाई ही करते रहते हैं। विभीषण ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा ठीक है ही है, परंतु आपका भला तो श्री रामचंद्र जी का भजन करने में ही है। अरे सचिव संगल नब पद भय गय हूँ, असमय सुनाई कहते अस भय हूँ। इतना कहकर विभीषण ने अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग से गए और सबको सुनाकर कहने लगे कि राम सत्व संकल्प प्रभु और सभाबा काल बस तोरी, मैं रघुबीर शरण अजायो देह जन कोरी। श्री रामचंद्र जी सत्संकल्प सर्व समर्थ हैं और रावण तुम्हारी यह सभा काल के बस में है, अतः मैं अभी तुम्हारी रघुनाथ जी की शरण में जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। अरे अस कही चला विभीषण जब ही, आयो ही न भये सब तब ही, साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कह हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी जो ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए। शिव जी कहते हैं, पार्वती साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण का नाश कर देता है। अरे रावण जब ही विभीषण त्यागा, औ भय अर भयो विभो बिनु तब ही अभागा, चलो हर सि रघुनायक पाई, करत मनोरथ बहु मन माई। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा उसी क्षण वह अभागा भवहीन हो गया और विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रामचंद्र जी के पास चले गए। अरे देखिए वो जाई चरण जल जाता, अयर मृदुल सेवक सुखदाता, जय पद परसी तरीर सिनारी, अदंडक कानन पावन कारी। वे सोचते जाते थे कि मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल सुंदर चरण कमलों से दर्शन करूंगा, जो सेवकों को भी सुख देता है। निज चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक बन को भी पवित्र करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र जी के चरण को मैं स्पर्श करूंगा। अरे जे पद जनक सुता उर लाए, कपट तुरंग संग धर धाये, अरे उर सर सरोज पद दे, अहो भाग्य मैं देखूं ते। जिन चरणों को
जिन चरणों को जानकी जी ने अपने हृदय में धारण कर रखा, जो कपट मृग के साथ उसे पकड़ने दौड़े थे और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजमान विराजते हैं, मेरा अभो भाग्य है, आज मैं उन्हीं के चरण देखूंगा। अरे जिन पायन के पाद कहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो कहीं नैन नियब जाई। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन चलाया हुआ है, आज मैं उन्हीं चरणों को इन नेत्रों से देखूंगा। लगाया हुआ है ओ, आज मैं उन्हीं चरणों को नेत्रों से देखूंगा। हरि यही विधि करत स प्रेम विचारा, आयो सबन सिंधु यही पारा, कपिन विभेषण आवत देखा, अजाना को रूप दूत विशेखा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार कर करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के तट पर जा श्री रामचंद्र जी की सेवा के पास आए, सेना के पास आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा, उन्होंने समझा कि शत्रु का कोई विशेष दूत आ रहा है। अरे ताही राखी कपीस पई आए, असमाचार तब ताही सुनाए, कैसो ग्रेव सुनो रघुराई, आयावा मिलन दसानन भाई। उन्हें वहीं ठहरा कर वे सुग्रीव के पास आए और उनको सब समाचार बनाया बताया। सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी के पास जाकर कहा, हे रघुवीर रघुवीर जी, सुनिए रावण का भाई अपने से मिलने आया हुआ है। अरे कह प्रभु ओ सखा बोझिए कहा, कहीं कभी सुनो नर नाहा, जान न जाए निसाचर माया, काम रूप के ही कारण आया। तब श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मित्र तुम्हारी क्या राय है? और वानर राज सुग्रीव ने कहा, हे महाराज, राक्षसों की माया पहचानी नहीं जाती, यह इच्छा अनुसार रूप बदलने वाले छली जाने गए हैं, यह क्यों आया है इसका भेद करना पड़ेगा। अर भेद हमार ले न सठयावा, राखी बांध मोही असभावा, सखा नीति तुम नीति विचारी, अमम तन पर ना मन पन दरनागत भयहारी। लगता है यह मूर्ख हमारा भेद लेने आया है, इसीलिए मुझे तो यही इच्छा लगता है कि इसे बांध कर रखा जाए। इस पर श्री रामचंद्र जी बोले, हे मित्र, तुमने नीति पर विचार तो सही किया है, परंतु मेरा प्रण तो शरणागत के भाव को हर लेता है। अरे सुनि प्रभु वचन हरसि हनुमाना, शरणागत वाक्षल भगवाना। प्रभु के वचन सुन करके हनुमान जी प्रसन्न हुए और मन ही मन कहने लगे कि भगवान कैसे शरणागत वत्सल हैं। अरे शरणागत कहूं जे तरई, अनिजय अनहित अनुमानी, तेनर पावर पाप में तिनई बिलोकत हानि। पुनः श्री रामचंद्र जी बोले, जो व्यक्ति अपने अहित का अनुमान करके शरण में आया हुआ का त्याग कर देता है, वे पामर है, पामर पापमय है, उन्हें देखने में भी पाप लगता है। हर कोट भी प्रबदला गए जाहूं, आए शरण तजहि नहीं ताहूं, तनमुख होए जीव मोहि जबहीं, जन्म कोटि अगनासहि तबहीं। जिसे करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या लगती हो, शरण में आने पर मैं उसका भी त्याग नहीं करता, जीव जो ही मेरे सम्मुख आता है उसके करोड़ों जन्मों के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। अपापवंत कर सहज स्वभाव, अभजन मोर तहि भाव न काओ, जो पै दोष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। पापियों का यह सहज स्वभाव होता है कि मेरा भजन उसे कभी अच्छा नहीं लगता। यदि यह रावण का भाई निश्चय ही दुष्ट हृदय होता तो क्या वह मेरे सामने आ जा सकता था।
हर निर्मल मन जन सो मोहि भावा अमोहि कपट छल छिद्र न भावा वेद देन पठवा दस सीसा अतब उन कछु भय हानि कपीसा। जो व्यक्ति निर्मल मन होता है वही मुझे प्राप्त करता है, मुझे कपट और छल छिद्र अच्छे नहीं लगते। यदि उसे रावण ने भेद लेने के लिए भेजा है तब भी अपने को उससे कुछ भी भय या हानि नहीं है। अरे जग महु सखा निसाचर जेते लक्ष्मण हनहिं निमिष महु तेते जो अभीत आवा सरनाई राखी बताई प्राण की नाई। क्योंकि संसार में जितने भी राक्षस हैं लक्ष्मण क्षण भर में उन सबको मार सकते हैं, और यदि वह भयभीत होकर मेरी शरण आया है तो मैं उसे प्राणों की भांति रखूंगा। अरे उभय भांति ते आया नहूं हसि कह कृपा निकेत अजय कृपाल कई कप चले अंगद हनु समेत। श्री रामचंद्र जी हंसकर बोले दोनों ही परिस्थितियों में उसे ले जाओ, तब अंगद और हनुमान सहित सुग्रीव जी कृपालु श्री रामचंद्र जी की जय हो कहते हुए चले। अरे सादर ते ही आगे कर बानर चले जहां रघुपति करुणा कर अरे दो दही ते देखे दो भ्राता नैना आनंद दान के दाता। विभीषण जी आनंद सहित आगे करके बानर वहां आए जहां से रघुनाथ जी विराजमान थे। नेत्रों को आनंद का दान देने वाले दोनों भाइयों को विभीषण जी ने दूर ही से देखा। अरे बहुरे राम छवि धाम बिलोके राहो कटुक राहो कटुक एक टल पल रोकी भुज प्रलंब कंजारुन लोचन श्यामल गात प्रणत भय मोचन। फिर शोभा के धाम से रामचंद्र जी को देख कर वे अपलक और ठिठक कर देखते ही रह गए। भगवान श्री विशाल भुजाएं लाल कमल के समान नेत्र शरणागत के भय का नाश करने वाला सांवला शरीर भगवान का। अरे सिंधु कांत आयत उर सोहा आनन अमित मदन मन मोहा नैन नीर पुलकित यति गाता मन धर धीर काहि मृदु वाता। सिंह के समान कंधे वाला विशाल वक्षस्थल अत्यंत शोभायमान हो रहा था। असंख्य कामदेवों के मन को शोभित करने वाला मुख भगवान के स्वरूप को देखकर विभीषण जी के नेत्रों में प्रेमा शुरू भर आए और शरीर पुलकित हो उठा। फिर मन में धीरज धरकर उन्होंने कोमल वचन कहे जय सियाराम।